अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हमाद खान और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे व्लॉगिंग के ऊपर और देखेंगे कि व्लॉगिंग क्या चीज है। आजकल आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह, हर छोटा बड़ा, इवन तो के बुजुर्ग भी जो है वो हाथ में मोबाइल लेके, कैमरा लेके पब्लिक में, स्कूल में, मतलब किसी भी जगह पे, हॉस्पिटल में, कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे आपको व्लॉगर ना मिले। हर जगह पे इतना ट्रेंड छा गया आजकल व्लॉगर्स वगैरह का, मतलब हर जगह लोग व्लॉगिंग करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही होगा कि हम लोग देखेंगे कि व्लॉगिंग होती क्या चीज है, व्हाट इज व्लॉगिंग। दूसरी जो हम लोग बात करेंगे वो ये करेंगे कि आया कि व्लॉगिंग जो है ये हमारे लिए एक सक्सेसफुल करियर बन सकता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा मौजूद गुफ्तगु होगा वो होगा कि व्लॉगिंग के अंदर कौन कौन से लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हर बंदा तो व्लॉगिंग के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बात करते हैं व्लॉगिंग क्या चीज है। सबसे पहले तो व्लॉगिंग वो चीज है, मतलब पहले हम लोग वेबसाइट्स को स्क्रॉलिंग करते थे, गूगल पे जाते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की हम लोगों को चाहिए होती थी तो हम लोग गूगल के अंदर जाते हैं, सर्च करते हैं और वहां से हमें रॉ फॉर्म में, रिटन फॉर्म में या फिर किसी और सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। वो हमारे पास ब्लॉग होता है जो हम लोग वहां पे रिटन फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन अगर वही जो इंफॉर्मेशन होती है वो अगर हम लोगों को एक वीडियो की फॉर्म में मिल जाए और एक सिस्टमेटिक वीडियो की जो हमारी समझ बूझ के एन मुताबिक हो, क्योंकि वीडियो हर वो चीज जो होती है हमारी समझ के अंदर जल्दी आ जाती है जिसको हम लोग देख के और जिसको हम लोग समझ के करते हैं। वीडियो भी एक ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग देखते हैं और देखने के बाद फौरन से समझ जाते हैं उस चीज के हवाले में से, और उस चीज के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो बिल्कुल 100% करेक्ट हम तक पहुंच जाती है। तो इसी का नाम व्लॉगिंग है। सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको वीडियो सोर्स के जरिए मिलती है उसको सिंपली आप व्लॉगिंग कह सकते हैं, व्लॉग कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई व्लॉगिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर भी जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि ये एक अच्छा कैरियर आपके लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो फॉर श्योर के हर वो चीज जिसके अंदर आप अपना 100% देते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैशन दिखाते हैं और जिसको आप दिलो जहाँ से करते हैं वो चीज आपका कैरियर भी बन सकता है और उसके अंदर मतलब आप सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। व्लॉगिंग आपका कैरियर कैसे बन सकता है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो जब आपके पास अच्छी खासी कम्युनिटी हो जाती है, जो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ आपको मतलब बहुत से लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके पास अर्निंग के सोर्सेस बहुत से आ जाते हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां आपसे रब्ता करने की कोशिश करती हैं, अगर आपकी रीच अच्छी है, आपकी कम्युनिटी अच्छी है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, तो फिर क्या करती हैं कंपनियां, आपको स्पॉन्सर करती हैं। स्पॉन्सर करने के लिए बहुत से वेज होते हैं, कंपनियां या तो फिर आपको पेमेंट कर देती हैं, आप उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मतलब उनकी प्रोडक्ट जो है उनको देखते हैं, उनको पहनते हैं, यूज करते हैं उस अपनी वीडियो के अंदर, जिस उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है। दूसरी स्पॉन्सरशिप जो होती है वो यूं होती है कि मतलब अगर आप व्लॉगर हैं तो कंपनी आपको टूर देती है मुख्तलिफ कंट्रीज के, तुर्की, चाइना, थाईलैंड, मतलब इस तरह की कंट्रीज जितने भी हैं वहां के आपको टूर्स देती है। कंपनी के सारा खर्च होता है घर से लेके उस कंट्री तक और कंट्री से लेके घर तक, खाना पीना, होटलिंग, ट्रेवलिंग सब कंपनी का होता है। और वो इसीलिए होता है कि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो, आप कंपनी की प्रोडक्ट को यूज करेंगे अपने ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन के दौरान और उसके साथ साथ आप कंपनी को प्रमोट करेंगे। तो ये सारा मतलब सारे मजे जितने भी हैं वो व्लॉगर के बन सकते हैं और इसके साथ साथ आपको अच्छी अर्निंग भी दी जाती है। ट्रेवलिंग के दौरान जितने एक्सपेंस होते हैं वो और आपको मुख्तलिफ मतलब जितने दिन का पैकेज होता है उतने दिन के मुताबिक आपको पैसे भी दिए जाते हैं। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था वो यही था कि भाई हम लोग इसके अंदर अपनी सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सक्सेस हासिल करने का सिंपल सा फार्मूला है, मतलब वो अभी भी मैं बता चुका हूँ कि भाई किसी भी चीज के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको वहां पे कामयाबी मिले,
तो फिर आपको अपनी दिलो जान से वो काम करना है। अगर जब तक आप कोई काम करने का आपको शौक नहीं है, मतलब आप करना नहीं चाहते, या फिर आपको बाई फोर्स वो काम करवाया जा रहा है, तो फिर आप वहां पे मतलब आप हासिल नहीं कर सकते वो चीज, वो डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे। तो सबसे पहले अपने अंदर ये चीज डालें कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरा ये शौक है, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर ही आप इसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि व्लॉगिंग के अंदर सक्सेस हासिल करना मतलब यहाँ तक ही नहीं होता, इसके आगे ये भी होता है कि भाई आपके अंदर शाइनेस ना हो, आपको मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ कम्युनिटी के अंदर, पब्लिक के अंदर, आपको यहाँ पे कैमरा रख के अपने बारे में बताना पड़ेगा, उस कम्युनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। जहाँ भी आप जाएंगे कैमरा आपके हाथ में होगा, आप शूट करते हुए जाएंगे, जहाँ पे सारे लोग खामोशी से बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको शूट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ पे आप अभी मौजूद हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपको एक किस्म का बेशर्म इंसान होना पड़ेगा, क्योंकि व्लॉगिंग के अंदर वही कमयाब है जो बेशरम बंदा हो सकता है। मतलब जो व्लॉगर्स हैं वो इस बात को दिल पे ना लीजिएगा, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मतलब आपको इतना ओपन एंड ब्रॉड माइंड होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सी कम्युनिटीज के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको शूट करना पड़ेगा और वहां की इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी पड़ेगी, और ताकि लोगों तक अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बस यहाँ तक ही था, और उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से आपको काफी गाइड किया, और कुछ बातें हैं जो रह भी सकती हैं, अगर वो रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कहीं सी वीडियो में बता दूंगा। जब तक आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बहान।